नमस्कार नमस्कार भारत, भारत। अगर अगर आप आप 10वीं 10वीं पास पास है है तो तो वीडियो वीडियो आपके आपके लिए लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हेल्पफुल रहने रहने वाला वाला है, है, क्योंकि क्योंकि इस इस वीडियो वीडियो में में मैं मैं बताने बताने वाला वाला हूँ हूँ सिर्फ सिर्फ एक एक एग्जाम एग्जाम देके देके कैसे कैसे आप आप गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब जॉब ले ले सकते सकते हो, हो, जी जी हाँ हाँ गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब जॉब ले ले सकते सकते हो। हो। और और आपकी आपकी स्टार्टिंग स्टार्टिंग सैलरी सैलरी कितनी कितनी होगी होगी वो वो मैं मैं आगे आगे आपको आपको बताऊंगा। बताऊंगा। इस इस एग्जाम एग्जाम का का नाम नाम क्या क्या है? है? इस इस एग्जाम एग्जाम का का नाम नाम है है स्टाफ स्टाफ सिलेक्शन सिलेक्शन कमीशन कमीशन की की मल्टी मल्टी टास्किंग टास्किंग स्टाफ। स्टाफ। क्या क्या है है मल्टी मल्टी टास्किंग टास्किंग स्टाफ? स्टाफ? ठीक ठीक है, है, इसमें इसमें बहुत बहुत तरह तरह के के काम काम करने करने पड़ते पड़ते हैं। हैं। क्लरिकल क्लरिकल वर्क वर्क ही ही होता होता है, है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा ऐसा ऐसा कुछ कुछ काम काम नहीं नहीं रहता रहता है। है। क्लरिकल क्लरिकल वर्क वर्क होता होता है, है, काम काम आपको आपको करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। ये ये तो तो फिक्स फिक्स है, है, पैसा पैसा अगर अगर कार्ड कार्ड देगी देगी तो तो काम काम तो तो करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। अब अब इसका इसका एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन 2024 2024 में में होने होने वाला वाला है। है। इसके इसके एप्लीकेशन एप्लीकेशन डेट्स डेट्स भी भी आ आ चुके चुके हैं हैं कैलेंडर कैलेंडर में। में। 7 मई 2024 से7 मई 2024 से लेकर लेकर 6 जून 2024 6 जून 2024 तक तक फॉर्म फॉर्म फिलअप फिलअप किए किए जाएंगे। जाएंगे। एग्जाम एग्जाम के के डेट्स डेट्स अभी अभी टेंटेटिव टेंटेटिव है, है, जुलाई जुलाई अगस्त अगस्त के के बीच बीच में में रहेगी रहेगी और और रिजल्ट रिजल्ट आपका आपका सितंबर सितंबर 2024 2024 में में आ आ जाएगा। जाएगा। तो तो अगर अगर मैं मैं आपको आपको बोलूँ बोलूँ तो तो नियरली नियरली आपके आपके पास पास 5 से 6 महीने का महीने का एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम टाइम है है अभी। अभी। और और आपको आपको तैयारी तैयारी करने करने के के लिए लिए मोर मोर देन देन अ अ टाइम टाइम है। है। अगर अगर आपको आपको जॉब जॉब चाहिए चाहिए तो तो मुझे मुझे लगता लगता है है कि कि ये ये टाइम टाइम आपके आपके लिए लिए बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। है। इससे इससे कम कम में में भी भी आपकी आपकी तैयारी तैयारी हो हो जाएगी जाएगी अगर अगर आपने आपने अच्छे अच्छे से से तैयारी तैयारी किया किया तो। तो। अब अब जो जो इसकी इसकी सबसे सबसे अच्छी अच्छी यूएसपी यूएसपी है है वो वो क्या क्या है है कि कि ये ये वन वन पेपर पेपर एग्जाम एग्जाम है। है। आपने आपने देखा देखा होगा होगा मैक्सिमम मैक्सिमम एग्जाम एग्जाम जो जो होते होते हैं, हैं, कोई कोई भी भी सरकारी सरकारी एग्जाम एग्जाम है है उसमें उसमें हमेशा हमेशा दो दो पेपर पेपर होता होता है। है। टू टू पेपर पेपर एग्जाम्स एग्जाम्स होते होते हैं, हैं, यानी यानी कि कि टीयर टीयर वन वन आप आप क्वालिफाई क्वालिफाई करते करते हो, हो, उसके उसके बाद बाद फिर फिर आपको आपको टीयर टीयर टू टू देना देना पड़ता पड़ता है, है, जिसके जिसके बाद बाद आपको आपको या या तो तो फिर फिर आगे आगे इंटरव्यू इंटरव्यू होता होता है, है, अगर अगर इंटरव्यू इंटरव्यू है है तो, तो, या या फिर फिर अगर अगर टाइपिंग टाइपिंग या या टाइपिंग टाइपिंग देना देना पड़ता पड़ता है, है, तब तब जाके जाके आपका आपका सिलेक्शन सिलेक्शन होता होता है। है। बट बट इस इस एग्जाम एग्जाम में में ऐसा ऐसा नहीं नहीं है। है। इस इस एग्जाम एग्जाम में में आपने आपने बस बस इस इस पेपर पेपर को को दिया दिया और और आपका आपका सिलेक्शन सिलेक्शन हो हो गया गया डायरेक्ट। डायरेक्ट। सिलेक्शन सिलेक्शन आपका आपका डायरेक्ट डायरेक्ट होता होता है है और और सीधा सीधा आपको आपको जॉब जॉब लग लग जाएगा जाएगा मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री में, में, सरकारी सरकारी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री में में जॉब जॉब लगेगी। लगेगी। ठीक ठीक है, है, और और रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है? है? सिर्फ सिर्फ 10वीं 10वीं पास, पास, 10th 10th पास, पास, इससे इससे ज्यादा ज्यादा और और कुछ कुछ नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। अगर अगर आप आप 10वीं 10वीं पास पास हो हो तो तो आप आप इस इस जॉब जॉब के के लिए लिए एलिजिबल एलिजिबल हो। हो। बात बात खत्म। खत्म। अब अब एक एक और और चीज चीज आप आप देखो, देखो, इस इस एग्जाम एग्जाम में में होता होता क्या क्या है? है? इस इस एग्जाम एग्जाम में में दो दो तरीके तरीके के के होते होते हैं, हैं, एक एक एमटीए एमटीए सर सर हवलदार हवलदार दोनों दोनों होता होता है, है, बट बट मैं मैं हवलदार हवलदार की की बात बात इसमें इसमें नहीं नहीं करूंगा, करूंगा, क्योंकि क्योंकि हवलदार हवलदार के के लिए लिए आपको आपको फिजिकल फिजिकल एफिशिएंसी एफिशिएंसी टेस्ट टेस्ट देखी देखी जाती जाती है। है। एमटीएस एमटीएस के के लिए लिए ऐसा ऐसा कोई कोई क्राइटेरिया क्राइटेरिया नहीं, नहीं, आपको आपको कोई कोई फिजिकल फिजिकल एफिशिएंसी एफिशिएंसी टेस्ट टेस्ट देने देने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। आपका आपका नाम नाम आया आया सिलेक्शन सिलेक्शन लिस्ट लिस्ट में, में, नाम नाम आ आ चुका चुका है, है, आपने आपने एग्जाम एग्जाम दिया, दिया, बात बात खत्म, खत्म, आपका आपका सिलेक्शन सिलेक्शन हो हो गया। गया। अब अब ये ये कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड बेस्ड टेस्ट टेस्ट होता होता है। है। ठीक ठीक है, है, इसमें इसमें क्या 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 आता आता है? है? देखिए, देखिए, इसमें इसमें सेशन सेशन वन वन होगा, होगा, सेशन सेशन टू टू होगा। होगा। पहले पहले सेशन सेशन में में आपको आपको मैथ्स मैथ्स रहेगा रहेगा 20 क्वेश्चन,20 क्वेश्चन, 3 मार्क्स3 मार्क्स का का रहेंगे, रहेंगे, 60 मार्क्स60 मार्क्स के, के, और और रीजनिंग रीजनिंग रहेगा रहेगा 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 60 मार्क्स 60 मार्क्स के, के, 45 मिनट45 मिनट के के अंदर अंदर आपको आपको ये ये करना करना है। है। बट बट इसके इसके एक एक और और बेहतरीन बेहतरीन चीज चीज है है वो वो मैं मैं बताता बताता हूँ। हूँ। ये ये जो जो सेक्शन सेक्शन है है आपका आपका सेशन सेशन वन, वन, ये ये सिर्फ सिर्फ क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग है। है। जी जी हाँ, हाँ, क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग है। है। यहाँ यहाँ से से आपका आपका सिलेक्शन सिलेक्शन नहीं नहीं होने होने वाला वाला है। है। मतलब मतलब सोचो सोचो एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन के के बीच बीच में में भी भी एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन हो हो रहा रहा है, है, वो वो भी भी क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग है। है। सिलेक्शन सिलेक्शन किस किस में में होगा होगा आपका? आपका? सिलेक्शन सिलेक्शन आपका आपका सिर्फ सिर्फ होगा होगा जनरल जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस और और इंग्लिश इंग्लिश के के मैथ्स मैथ्स में, में, इंग्लिश इंग्लिश के के मार्क्स मार्क्स में, में, और और कुछ कुछ आपको आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चाहिए चाहिए नहीं। नहीं। जनरल जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस के के कितने कितने क्वेश्चन क्वेश्चन है? है? 25 25 25 क्वेश्चन क्वेश्चन है, है, 75 75 मार्क्स मार्क्स के। के। इंग्लिश इंग्लिश के के कितने? कितने? 25 25 क्वेश्चन क्वेश्चन है, है, 75 75 मार्क्स मार्क्स के। के। 45 45 मिनट45 मिनट के के अंदर अंदर आपको आपको सॉल्व सॉल्व करना करना है, है, जो जो कि कि मोर मोर देन देन इनफ इनफ टाइम टाइम है, है, और और इसके इसके अंदर अंदर में में आपका आपका सिलेक्शन सिलेक्शन हो हो जाना जाना है। है। बात बात खत्म। खत्म। तो तो आपको आपको ज्यादा ज्यादा जोर जोर यहाँ यहाँ पे पे लगाना लगाना है, है, ये ये तो तो फैक्ट फैक्ट है। है। ज्यादा ज्यादा जोर जोर आपको आपको यहाँ यहाँ पे पे लगाना लगाना है, है, ज्यादा ज्यादा जोर जोर आपको आपको यहाँ यहाँ पे पे लगाना लगाना है है सिलेक्शन सिलेक्शन के के लिए, लिए, जो जो कि कि बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा भी भी नहीं नहीं है। है। अगर अगर मैं मैं अगर अगर आपको आपको एग्जैक्टली एग्जैक्टली बताऊं बताऊं तो तो ये ये बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा भी भी नहीं नहीं है। है। 25 25 क्वेश्चन क्वेश्चन करने करने हैं, हैं,
कि आपको पेड बैच ही चाहिए, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर आपको मिल जाएगा, बट सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है। तो आप डेफिनेटली इस क्लास को सेव करके रख लेना, ज्वाइन कर लेना, वेट करूंगा मैं आपका 8 बजे रात को, 16 तारीख को, 17 तारीख को, ठीक है, सब कुछ फ्री में पढ़ने को मिलेगा। अब आइए पैसे की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी जॉब अधूरा है पैसे के बिना। क्या पैसा मिलेगा आपको? 26,000 से 33,000, जी हाँ, अगर आप एक सिटी में रहोगे, ठीक है, अगर आप उसे मतलब थोड़ा सा गांव साइड में रहोगे तो आपको 26,000 मिलेगा, अगर आप एक सिटी में रहोगे जो कि अच्छा वाला होता है शहर, तो आपको 33,000 से 34,000 रुपये भी मिल सकते हैं नेट, ठीक है, नेट। ग्रॉस आपका 40,000 के पार चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी, वाइल द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ये चीज ध्यान रखना, वाइल द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जी हाँ, ज्वाइनिंग करते ही आपको इतना पैसा मिलेगा। यानी कि अगर मैं आपको एक चीज एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, आप आज एक क्लास 10th पास हो, या फिर आप 12th पास हो और आप जॉबलेस हो, ठीक है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि आप कमाई के साथ में परिवार का सपोर्ट भी कर सको अभी से ही, क्योंकि आगे फ्यूचर में किसने देखा है क्या होगा नहीं होगा। तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप पढ़ते हुए 1 साल के अंदर में, 1 ईयर के अंदर में 40,000 की जॉब, 40K की जॉब अभी से लेकर रख लूँ, ठीक है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। और वो आपको यहाँ से मिल जाएगा SSC MTS के द्वारा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एग्जाम को जरूर दोगे, ये एग्जाम बहुत अच्छा है आपके करियर के स्टार्टिंग के लिए, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो मेक श्योर कि आप इस एग्जाम को जरूर दो अगर आप 10वीं पास हो तो, क्लियर है। और लास्टली जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर ये वीडियो, ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है तो आपको सही लग रहा है, तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो फिर भी लाइक करना है, और सब्सक्राइब अगर नहीं भी किया हो फिर भी लाइक कर लो, साथ में सब्सक्राइब कर लो अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, तो आपकी फैमिली माइंडली थॉटफुल है ना। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे टेलीग्राम के, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर लो, कोई भी क्वेरी होगी आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक है, अगर आपको लगे कि आप इंस्टाग्राम पर बात करना चाहते हो वहाँ भी कर सकते हो, साथ ही में अकेडमी में फॉलो जरूर कर लेना। इससे बेनिफिट क्या होता है कि कोई भी क्लास, जो सारे क्लास वहाँ फ्री रहते हैं, जैसे ही शेड्यूल होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाती है कि कब ये क्लास होने वाला है, तो आप पहले से वहाँ पर रेडी हो जाओगे, क्लास के लिए आप लेट नहीं होगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर पढ़ाई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।